हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। इसमें दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल डेट ए, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, एंगल ए पे 90 डिग्री है। सेमी सर्कल आर ड्रॉन ऑन ए बी एसी एंड बी सी एस डायमीटर। ए बी पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया ये, फिर उसके बाद ए सी पे भी एक सेमी सर्कल बन रहा है और बी सी के ऊपर भी ये सेमी सर्कल बन रहा है, ठीक है। तीनों को डायमीटर, ए बी ए सी और बी सी को डायमीटर मान के तीनों पे एक एक सेमी सर्कल बना दिया गया। इट इज गिवन डेट ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ, ये तीन ये चार, तो पाइथागोरस थ्योरम से बी सी 5 निकल के आ जाएगा, वो आप निकाल लीजिएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम से इन ट्राइंगल, चलो निकाल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25, बी सी स्क्वायर इक्वल टू 25, तो बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ही आ गया। अब हमें ये शेडेड पार्ट कैलकुलेट करना है, तो क्या लॉजिक रहेगा इसका, इस ट्रायंगल के एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे। ये पूरा सेमी सर्कल, ये पूरा सेमी सर्कल कैलकुलेट हो जाएगा और ये पूरे सेमी सर्कल को कैलकुलेट कर लेंगे और ट्रायंगल को भी, तीनों को जोड़ देंगे तो पूरे फिगर का एरिया निकल जाएगा, पूरा फिगर टोटल। लेकिन हमें पूरे फिगर का नहीं चाहिए, तो पूरे फिगर के एरिया में से ये बड़ा वाला सेमी सर्कल माइनस कर देंगे तो जो सिर्फ रिक्वायर्ड एरिया है वो बच जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से, ये जो सेमी सर्कल बी ए बी के ऊपर, ए बी को डायमीटर लेके जो पूरा सेमी सर्कल बन रहा है, इस पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, इस वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे और इस ट्रायंगल के एरिया निकाल लेंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो पूरे कंप्लीट फिगर का एरिया मिल गया। पूरे एरिया में से ये वाले सेमी सर्कल का एरिया को माइनस कर देंगे तो जो शेडेड पार्ट है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया मतलब शेडेड एरिया। तो ये कैसे मिलेगा, ये वाले सेमी सर्कल का एरिया, तो इसका डायमीटर 3 है तो रेडियस 3/2 हो जाएगा और सेमी सर्कल है तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर, रेडियस क्या है 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर, प्लस ये वाला सेमी सर्कल, इसका रेडियस 1/2 पाई, इसका रेडियस डायमीटर है 4, तो रेडियस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, और प्लस ट्रायंगल का एरिया। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, तो इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 × 3 × 4, ये आ गया ट्रायंगल का एरिया। तो ये पूरे फिगर का एरिया आ गया, माइनस कर देंगे इसमें से क्या, ये वाले सेमी सर्कल का एरिया, ठीक है। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, रेडियस क्या है, डायमीटर 5 है तो रेडियस हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1/2 पाई 1/2 पाई 1/2 पाई, तीनों में कॉमन आ गया, तो 1/2 पाई को कॉमन ले लेते हैं, तो 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस है यहाँ पे 5/2 का होल स्क्वायर, और इसको साइड कर लेते हैं, प्लस 4 × 3 = 12/2 = 6, ठीक है, ये साइड हो गया। तो यहाँ पे पाई का ऐसा कुछ बोला हुआ नहीं है, तो 1/2 × 22/7, 3/2 का होल स्क्वायर ये हो गया 9/4, 2 का होल स्क्वायर ये हो गया 4 माइनस 5/25/4 प्लस 6, तो 2 से कट गया 11 बार में, 11/7 एलसीएम ले लेते हैं पूरे में, पूरे का एलसीएम आ गया 4, तो यहाँ पे 9 रहेगा प्लस 4 के नीचे 1, 1 × 4 = 4, तो 4 × 4 = 16 माइनस 4, 4, तो ये सिर्फ यहाँ पे आ गया 25 प्लस 6। इसके बाद हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि 11/7 × 9 + 16, 25 × 25 - 25 = 0/4, ठीक है, तो × 0/4 + 6, तो किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा ही पार्ट क्या हो गया, 0 + 6 तो इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो शेडेड एरिया था वो आ गया सिर्फ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 6 किसका, 6 क्या था, ये ट्रायंगल का एरिया। तो यानी जो ये शेडेड पार्ट है, ये शेडेड पार्ट किसके इक्विवेलेंट है, ट्रायंगल के एरिया के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो बस यही था इस क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो मिल गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।